कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिस्ट्री यानी इतिहास का प्रश्न पत्र समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रयास करूंगा। बेहतरीन सा ये मॉडल पेपर है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हद तक तैयारी अच्छी करा दी है। हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में मैंने भी आपको 4 मॉडल पेपर प्रस्तुत किए रहे हैं। चारों पेपरों को आप कंप्लीट करोगे, 4 ही क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट पेपर है, लेकिन दमदार है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन अधिकतर फंसेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। जूलियस सीजर किस देश का शासक थे? रोम। लॉर्ड अथवा सामंत का निवास स्थान क्या कहलाता था? मेनर। तृतीय वर्ग में शामिल था किसान। यूरोप में सबसे पहले किस देश के में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? इटली। इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 है, 4, 5 और 6 आपका आ जाएगा। कुमार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया ने किया था। अगस्तस 37वीं ईस्वी पूर्व रोम का शासक बना। चंगेज खान के पिता येसुजेई कियात कबीले के मुखिया थे। रेनेसा फ्रेंच की भाषा का शब्द है। छाप खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। प्रेयरी चारागाह दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंप्लीट करेंगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है ग्लेगेमिस। ग्लेगेमिस का आपका जाएगा महाकाव्य है। केस्टेला, केस्टेले का आपका जाएगा यहाँ से दूसरा जो है इसका आपका जाएगा पहाड़ी चोटी पर बसे गांव। स्टेपी, स्टेपी का आपका जाएगा यहाँ से घास का मैदान। नन, नन का आपका चौथे का मिलान आपको करेंगे मठों में रहने वाले भिक्षुनियों। और पांचवा है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर क्या थे? हमारे एक धर्म सुधारक थे। और जॉन मार्शल का आपका आ जाएगा यहाँ से अमेरिकी न्यायाधीश। और कनाडा का आ जाएगा आपका ये एक गांव। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपकी सही जोड़ी, है ना। अच्छे से तैयारी करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, ये आपकी जोड़ी है यहाँ पर। अगला है, किस रोमन सम्राट के शासनकाल को पेक्स रोमना के नाम से जाना जाता है? तो अगस्तस, यहाँ पर अपन लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है भैया, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? मंगोलिया राष्ट्र का जो महानायक है वो चंगेज खान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने। मैनर क्या था? मैनर जो है सामंतों का निवास स्थान। सामंतों का निवास स्थान। ठीक है, पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया था पृथ्वी का? तो ये बनाया था गेरहार्ड्स मर्केटर ने। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पांचवा है आपका ये आंसर, गेर हार्ट्स मर केटर ने। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया में तो ये था आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, छठा है ये, न्यू साउथ वेल्स। साउथ वेल्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो नगरों का पर नाभिकीय बम गिराए गए? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तो हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरो
और नागासाकी में। ठीक है, इतना हो गया है। इसके बाद में आपको अगला देखते हैं, यहाँ पर है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो बच्चे हमारे यहाँ से। सत्य और असत्य है अगला आपका। तो देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे विकसित की गई थी, ये आपका असत्य रहेगा। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ये सत्य है। कुरिलताई मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी, क्या कबीलों की थी। सामंतवादी समाज में सर्वाधिक शोषित वर्ग सामंतों का था, ये आपका असत्य रहेगा। इब्न सीमा यूरोप के दार्शनिक थे, ये सत्य है आपका। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि सबसे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है, जापान है। ठीक है, अपन तो अपनी फालतू में बड़े करते हैं। ये देखो, हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें देख लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, बेहतरीन से आपको प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। जिगुरात से आप क्या समझते हैं, हम्मुराबी कौन था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस के सामाजिक जीवन पर वर्णन कीजिए, जिगुरात का परिचय दीजिएगा। रोमन गणराज्य गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। चंगेज खान द्वारा स्थापित नोयान व्यवस्था को समझाइएगा। बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मंगोल कौन थे। सामंतवाद के दो दोष लिखिएगा। मैनर की जागीर को समझाना है। ठीक है, कितना हो गया। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से देख सकते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, न्यू टेस्टामेंट क्या है। यूरोपीय साम्राज्यवाद से आपका क्या तात्पर्य, संक्षेप में लिखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एबोरोनिरीज क्या थे। टेरान्यूलस का वास्तविक अर्थ बताइएगा। द लास्ट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है। जापान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले विदेशी किस देश से संबंधित थे। जापान में शैक्षणिक सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिएगा। हो गया इतना। रोमन समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं, रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना बताइए। चंगेज खान और मुगलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकाल के यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा गया है। सामंतवाद की विशेषताएं लिखनी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। शहरीकरण के उद्भव में किन किन कारणों की भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों को समझाइएगा। पुरन जागरण काल की 4 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये 22 है आपका। इसके बाद में इसका थोड़ा